देश में पहली बार ऐसे हालात हो गए कि 75 साल में पहली बार देश में केंद्र सरकार को दूध पे टैक्स लगाना पड़ रहा है, दही पे टैक्स लगाना पड़ रहा है, आटे चावल पे टैक्स लगाना पड़ रहा है। गरीब आदमी अपने बच्चों को दूध पिलाए उस पे भी टैक्स लगाना पड़ रहा है। देश में पहली बार ऐसे हालात हो गए हैं कि केंद्र सरकार कह रही है कि अब हमारे पास में पैसा नहीं है, हम सरकारी स्कूल नहीं बनवा सकते, सरकारी अस्पताल नहीं बनवा सकते, बुज़ुर्गों को पेंशन नहीं दे सकते, गरीब लोगों को राहत की योजनाएं नहीं दे सकते। पहली बार देश में ऐसे हालात हो गए हैं। ये हालात किस लिए हो गए? क्योंकि इन्होंने देश में टैक्स पेयर्स का दिया हुआ पैसा मोदी जी के दोस्तों की तिजोरी भरने पर लुटा दिया। टैक्स पेयर्स ने पैसा दिया इसलिए सरकार को कि आप हमारे बच्चों के लिए स्कूल बनवाइए, अस्पताल बनवाइए, सड़कें बनवाइए, बिजली दीजिए, पानी दीजिए, लेकिन टैक्स पेयर्स के पैसे को इन सब पे लगाने की जगह इन्होंने मोदी जी के दोस्तों की तिजोरी भरने पे लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान केंद्र सरकार ने अपने दोस्तों के, मोदी जी के दोस्तों के 10 लाख करोड़ रुपए के लोन माफ़ किए हैं, 5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स उनका माफ़ किया है। इस तरह से 15 लाख करोड़ रुपए अपने दोस्तों की तिजोरी में जनता का डाल के उसके बाद कह रहे हैं कि अब दूध पे भी टैक्स दे जनता, दही पे भी टैक्स दे और कोई चीज़ फ्री में नहीं मिलेगी सरकार की ओर से, हर चीज़ का कीमत होगी। सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे तो फीस देनी पड़ेगी, सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं होगा, प्राइवेट में कराओ नहीं तो पैसे देने पड़ेंगे, दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। जब इनसे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, 75 साल में देश के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका क्यों आया कि ये कदम उठाने पड़े, तो ये फिर इधर उधर की बात करने लगते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा जी ने भी, मुझे लगा शायद इसका जवाब देंगे, मैंने उनकी पूरी पीसी देखी, इधर उधर की बात करते रहे, मनीष सिसोदिया ये है, दिल्ली सरकार ये है, वो सारा ठीक है। चलो अब बताओ कि अपने दोस्तों की तिजोरी भरने के लिए आपने देश का खजाना इतनी बुरी हालत में क्यों पहुंचा दिया कि आज आपके पास में स्कूल खोलने के पैसे नहीं है, अस्पताल खोलने के लिए पैसे नहीं है, आप कह रहे हैं कि दूध दही पे भी टैक्स लगेगा लोगों के, इतनी बुरी हालात में देश की अर्थव्यवस्था को क्यों पहुंचा दिया? आज आपके दोस्तवाद की वजह से, आज प्रधानमंत्री जी के दोस्तवाद की वजह से आज देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। आप गरीबों का खून चूस चूस के और अपने दोस्तों की तिजोरी भर रहे हैं और जब सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये दोस्तवाद क्यों चल रहा है, इसकी वजह से टैक्स क्यों लगाना पड़ रहा है, इसकी वजह से सरकारी सुविधाएं उन पे महंगी क्यों होंगी, उस पे पैसा क्यों लगेगा, तो आप इधर उधर की बातें करते हैं। तो मैं आज आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से एक बार फिर से अपील करता हूं कि आपने दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए 10 लाख करोड़ का कर्जा क्यों माफ़ किया, 5 लाख करोड़ का टैक्स क्यों माफ़ किया, जिसकी वजह से आज ये हालात हो गए देश में कि आपको ऐसी ऐसी चीज़ों पर टैक्स लगाना पड़ रहा है जो 75 साल में कभी नहीं लगा, आपको ऐसे ऐसे कहना पड़ रहा है कि आज अब फ्री में कुछ दिया तो देश बर्बाद हो जाएगा, इस हालात को आपने देश में क्यों धकेला, इसके जवाब दीजिए, इधर उधर की बात मत करिए, इधर उधर की बातें तो आप करते ही रहते हैं।